हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कलसी आर्टिस्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नवदीप सिंह। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पांच ऐसी टिप्स जो हर एक आर्टिस्ट को पता होनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वादा कीजिए वीडियो आप मिस नहीं करोगे, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और साथ ही साइड में देखें स्क्रीनशॉट शो होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे, आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। देखिए, टिप नंबर वन में आपको पेंसिल हमेशा शार्प रखनी है, चाहे आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो चाहे आप शेडिंग कर रहे हो, शार्प पेंसिल से बहुत ही अच्छा होगा। देन अगर टिप नंबर टू में आपको पेंसिल पर ध्यान देना, आप कैसे पेंसिल को पकड़ते हो। देखिए, अगर आप पेंसिल को बहुत ही नीचे से पकड़ते हो तो वो भी गलत है, अगर सेंटर से पकड़ते हो वो भी गलत है। आपको हमेशा पेंसिल को पीछे से पकड़ना है। अगर आप चाहे आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहे हो चाहे शेडिंग कर रहे हो, पीछे से पेंसिल पकड़ोगे तो अच्छी आएगी। तो लाइट प्रेशर से करना है, थोड़ा बहुत भी उस पर प्रेशर नहीं देना, पेंसिल को लाइट पकड़ना है और शेडिंग करनी है। ये हमारे फर्स्ट लेयर अपनी शुरू करनी है। देन आ गया अपनी टिप नंबर थ्री में आपको करना है कि आपको प्रेशर पर ध्यान देना है। आपको प्रेशर पर कैसे ध्यान देना है, आपको देखना है कि आप प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पर आप कम अप्लाई कर रहे हो। आप एक प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक बॉक्स ड्रॉ किया है। आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, डार्क से लाइट की तरफ एरिया करना है, एरिया डार्क से ऊपर, लाइट से डार्क, ऐसा करना है। देखिए, अब मैंने बनाया डार्क टू लाइट, देन मैं लाइट टू डार्क बनाऊंगा। सो इस तरीके आपको प्रेशर पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है। डार्क और लाइट का जो डिफरेंस है उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, अब मैं ऐसे ऊपर से बनाऊंगा। लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, आपको ये 15 से 20 मिनट आपको ये ड्रॉ करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको शेडिंग करने के जो टिप्स हैं वो ज़्यादा जल्दी समझ आएंगे। ओके, अगले टिप पर चलते हैं, टिप नंबर फोर में आपको क्या करना है, कभी भी आपको जब शेडिंग करते हैं कभी भी सिर्फ एक ही पेंसिल से शेडिंग नहीं करनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल का यूज़ करना है। जैसे मैंने, देखिए पहले मैंने HB पेंसिल से शेडिंग की थी। देखिए, आप फर्स्ट लेयर देख सकते हैं साइड में वो कैसी बनी है। देन मैंने अब HB से फिर शेडिंग किया और मैंने थोड़ी सी लाइट ड्रॉ की उसके ऊपर, 2B, देन 4B, फिर मैं 8B, 6B, देन 10B का पेंसिल का यूज़ करूँगा। अगर 10B पेंसिल ज़्यादा डार्क चाहिए तो यूज़ करूँगा, अदरवाइज मत यूज़ करना। आपको लेयर्स पे काम करना है, एक ही लेयर में कभी भी पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं होता, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ड्रॉ करनी है। देखिए, मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं उस पेंसिल का और इस पेंसिल का, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, इसे थोड़ा सा हम ब्लाइंड कर देंगे, देन उसे ब्लेंड करें, वो देखिए ब्लेंड करेंगे तो पेपर के साथ ही मिक्स हो गया, पर ये अभी रहा है। तो अगले टिप पर चलते हैं। अगली टिप हमारी ये है कि जब भी आप किसी भी पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप सब टिप्स का यूज़ कर रहे हैं, सबको ध्यान में देख रहे हैं कि हाँ मैं लेयर्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ ये वो सब कुछ, पर अगर आपने ब्रश नहीं अच्छा यूज़ किया, मैंने देखिए यहाँ पर एक लेयर ड्रॉ की थी HB पेंसिल से, देन मैंने हार्ड ब्रश से उसे शेड किया। हार्ड ब्रश से मैंने जब उसे थोड़ा सा ब्लेंड किया तो आप देख सकते हैं शेडिंग कैसी आई है। देन मैं सेकंड लेयर में आपको दिखाता हूँ कैसी आएगी। सेकंड लेयर में हम थोड़े से सॉफ्ट ब्रश से यूज़ करेंगे, उसे शेड करेंगे, सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करेंगे, सॉफ्ट है, सॉफ्ट ब्रश से यूज़ करना है, ब्रश को ऊपर से पकड़ना है और साथ में उसे ब्लेंड करना है।